विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के बीच में कैसे रिश्ते हैं, मीडिया में तमाम तरह की खबरें चली। और आपको याद भी होगा द ओल्ड टेस्ट मैच जो कि चौथा टेस्ट मैच था, वहां पर अश्विन को नहीं खिलाया गया था, यानी कि चार टेस्ट मैच की जो सीरीज हमने इंग्लैंड में अब तक खेली उसमें से अश्विन एक भी मैच में नहीं खेले थे, और चौथे टेस्ट मैच में अकेले स्टैंड में बैठे हुए थे जबकि विराट कोहली टीम को लीड कर रहे थे। और तब ऐसा लग रहा था कि यार दोनों एक दूसरे को शायद पसंद नहीं करते हैं, व्हाटएवर क्या रीजन है, लेकिन अश्विन को नहीं खिलाया गया। लेकिन सौरभ गांगुली ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और उस खुलासे के बारे में हम आपको बताते हैं। अभी बोरिया मजुमदार के शो में सौरभ गांगुली ने इस बात पर, आप कहेंगे कि इस बात को माना है कि रविचंद्रन अश्विन की अगर ओडीआई टीम में किसी ने वापसी कराई है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर किसी ने वापसी कराई है T20 क्रिकेट में, वो विराट कोहली हैं। आप यकीनन सरप्राइज हो जाएंगे, यही विराट कोहली 2017 में, 17 के बाद से अश्विन को टीम में कभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेकर आए नहीं। लेकिन सौरभ गांगुली की अगर बात माने तो विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में रविचंद्रन अश्विन की वापसी कराई है टीम में। एंड गांगुली ने बोरिया मजुमदार के शो में यह बात कही है कि विराट कोहली चाहते थे कि सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा जाए और इसीलिए चयनकर्ताओं ने रविचंद्रन अश्विन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा था। अब सवाल यह है कि अगर विराट कोहली की पसंद रविचंद्रन अश्विन थे तो प्रैक्टिस मैच में इतना कमाल का परफॉर्मेंस करने के बाद अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अश्विन को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था उसमें क्यों नहीं खिलाया गया? क्या इस बात में वाकई में सच्चाई है कि विराट कोहली चाह रहे थे कि अश्विन की वापसी हो जाए, या फिर कहानी कुछ और है? लेकिन अगर दादा ने कही है तो बात तो माननी पड़ेगी, और दादा ऐसे तो कहेंगे नहीं। लेकिन वाकई में ये सरप्राइजिंग मेरे लिए भी है कि अश्विन की व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो वापसी है वो विराट कोहली ने कराई है, उसी विराट कोहली ने जिन्होंने कि 4 साल तक रविचंद्रन अश्विन को व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर रखा। आपकी क्या राय है इस खबर पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आना है, उसके लिए भी हम लाइव आएंगे 1 बजे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।